वैज्ञानिक ने दावा किया कि कोरोना वायरस किसी जानवर से नहीं बल्कि चीन के वुहान शहर के लैब में बना है, क्योंकि चीन हथियारों की जगह बायोलॉजिकल हथियार से लड़ना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पे ये वीडियो काफी वायरल है। जिस वायरल वीडियो में ये बताया जा रहा है कि चाइना असल बायोलॉजिकल वेपन बना रहा था, जिसकी वजह से असल कोरोना वायरस आया। जी हाँ, ये खबर कितनी सच्ची है इसका खुलासा हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले ये खबर आपको पूरी सुनाते हैं। वैज्ञानिक ने दावा किया कि कोरोना वायरस किसी जानवर से नहीं बल्कि चीन के वुहान शहर के लैब में बना है, क्योंकि चीन हथियारों की जगह बायोलॉजिकल हथियार से लड़ना चाहता है, जिसके मुख्य टारगेट अमेरिका, भारत, इजराइल और जापान है। ये वायरस चीन के लैब से लीक हुआ है। इजराइल के खुफिया अधिकारी जैनी सोहेब ने दावा किया कि चीन ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी से जानबूझकर कोरोना वायरस को लीक किया था। ये एकमात्र संस्था है जो इस तरह के घातक वायरस से निपटने के लिए सक्षम है और चीन के जैविक हथियार वाले प्रोग्राम से जुड़ा है। हालांकि चीन इन आरोपों को खारिज कर रहा है। क्या चीन बना रहा है बायोलॉजिकल हथियार? चीन हथियार अपनी P4 लैब में बना रहा था, जो कि चीन के वुहान शहर के अंदर ही है। चीन के वैज्ञानिक लैब में कनाडा से लाए गए जैविक पदार्थों से हथियार बनाने में जुटे थे। वैज्ञानिक काफी लंबे समय से इस लैब में काम कर रहे थे। चीन की सरकार बड़ी ही साजिश करके कनाडा से ये जैविक पदार्थ लेके आई थी। तो इस वायरल वीडियो के मुताबिक चाइना इस वक्त बना रहा है बायोलॉजिकल वेपन, और इस वेपन के सहारे वो इंडिया, ब्रिटेन, यूएस जैसी कंट्रियों को अपने हाथ के नीचे रखना चाहता है। लेकिन अगर थोड़ी सी पड़ताल करे इंटरनेट पे तो पता चलेगा कि चाइना के साथ साथ ऐसी और भी कंट्रियां हैं जो बायोलॉजिकल वेपन जरूर बना रहे हैं इस वक्त, लेकिन उससे कोरोना वायरस का कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये बात सच है, चाइना के मीट मार्केट जो कि वुहान शहर में है, वहां से ये कोरोना वायरस फैला है, लेकिन बायोलॉजिकल वेपन से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये बात सच है विकिपीडिया के न्यूज के अनुसार कि ऐसी 16 कंट्रियां हैं जो इस वक्त बायोलॉजिकल वेपन्स पे काम कर रही हैं, और उन 16 कंट्रियों में एक नाम चाइना का भी मौजूद है। जी हाँ, मुमकिन है कि चाइना बायोलॉजिकल वेपन जरूर बना रहा है, लेकिन कोरोना वायरस से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। बायोलॉजिकल वेपन एक ऐसा वेपन है जिसके माध्यम से दूसरी कंट्रियों पे बीमारी के तहत, वायरस के तहत अटैक किया जा सकता है, और इस कोरोना वायरस से यह जरूर साबित हो गया कि जितनी भी कंट्रियां आज की तारीख में पावरफुल कंट्रियों के नाम से जानी जाती हैं, इस बायोलॉजिकल वेपन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और उनमें से सबसे पहला नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। 20वीं सदी की सबसे पावरफुल कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसे वेपन्स के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और वाकई में अगर किसी कंट्री के पास ऐसी ताकत इस वक्त मौजूद है तो इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी बड़ी ताकत है। और रही बात कोरोना वायरस की बायोलॉजिकल वेपन्स के होने की, तो ये बात सरासर झूठ है। जो वीडियोस टिकटॉक में इस वक्त शेयर की जा रही हैं वो असल झूठी हैं, इनका सच से कोई भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये जरूर मुमकिन है कि आने वाले दिनों में हमें ये जरूर देखने को मिल सकता है कि कंट्रियों के पास ऐसी ताकतें मौजूद हों, और आने वाले समय में जरूर ऐसा हो सकता है कि वो इस चीज का इस्तेमाल भी करें। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।